सो दोस्तों अभी देख सकते हो आप यहाँ पर चीला रेंज के अंदर हैं हम अभी, और यहाँ से जो है ऋषिकेश का रास्ता भी जाता है। तो अभी हम ऋषिकेश से वापसी आते वक्त यहाँ बीच में ही नदी पड़ती है, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो किस तरह से जल का प्रवाह कितना तेज है। तो ऐसे में अभी ये पार तो हो नहीं पाएगी, एक ही रास्ता है, या तो वापसी करा जाए या फिर यहाँ पर ट्रैक्टर से पार करा रहे हैं, और ट्रॉली में जो है बाइक को लाद करके और वहाँ से जो है क्रॉस करवा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज है, बिल्कुल भी आसान नहीं है ऐसे में पार कर पाना। और यहाँ देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा तेज गति में जो है पानी बह रहा है, ऐसे में अगर कोई पार करने की कोशिश करेगा तो भाई पक्का बह जाएगा, क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज है इस टाइम पे। और ये बरसात का पानी है देख सकते हो अभी आप, और अभी मेरे को आधा घंटा करीब हो गया है, लेकिन ऐसे में कोई भी गाड़ी बाइक या कोई भी ऐसे पार करता हुआ कोई यहाँ रास्ते से जा नहीं रहा है। हालांकि उधर आपको एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये देख सकते हो, तो इस ट्रैक्टर की मदद से जो है यहाँ पर वो बाइकों को पार करा रहा है अपनी ट्रॉली में लाद करके। और ये देख सकते हो पीछे की तरफ से आ रहा है, और यहाँ से ये सीधा गंगा जी में यहाँ से ये पानी चला जा रहा है, देख सकते हो आप जो ऋषिकेश से गंगा जी आ रही हैं उधर। सो दोस्तों अब वापस जाना पड़ेगा इधर से, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है।